हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आत्म परिमार्जन एवं बाह्य सुधार परिष्कार, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो खुद सुगठित सुसंगठित हो, उसके साथ साथ वो बाह्य जो संसार है, जो बाह्य परिवेश है, उसको बेहतर बना सके। दोस्तों, शिक्षा का अगर हम स्थूल रूप से बोलें, अगर हम मोटा मोटी बोलें, जैसे हम देसी भाषा में मोटा मोटी शब्द प्रयोग करते हैं, एक शब्द में इसका निहितार्थ बोलें, तो दोस्तों शिक्षा का यही अर्थ है। जो भी व्यक्तित्व है, जो इस धरा, इस वसुंधरा को सुशोभित किए हुए है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका यही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आज से हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि टू बी गुड एंड डू गुड इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अच्छे हों और अच्छा करें, धर्म का यही निचोड़ है, धर्म का यही सार है। तो शिक्षा वाकई क्यों दी जाती है बच्चों को? शिक्षा की आवश्यकता क्या है? शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि जो भी व्यक्तित्व इस धरा पे अवतरित हुआ है, जो इंसान के रूप में जिसकी काया है, और जो एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक शिक्षक, ये तो पद हैं, पदवी हैं, भूमिकाएं हैं, कार्य करने की शैलियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उस व्यक्तित्व में इंसानियत हो, एक अच्छा इंसान हो, एक चरित्र हो। और वो चरित्र कैसा हो? वो चरित्र खुद को तो बेहतर बनाए ही, और जिस परिवेश से वो जुड़ा हो उसको भी परिशोधित करे, मॉडिफाई करे, उसमें गुणात्मक उन्नयन करे। यही शिक्षा का मूलभूत दोस्तों उद्देश्य है, इसीलिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों हम टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि सरकार ने शुरू की नई शैक्षिक पहल विद्या प्रवेश। अब बच्चों को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने से पहले, बच्चों को शिक्षित करने से पहले, उनको एक सहज रोचक वातावरण में उन्हें उठना बोलना बैठना सिखाया जाएगा। और ये सारी की सारी गतिविधियां मनोवैज्ञानिक और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में दोस्तों होगी। क्योंकि हम फिर बात कर रहे हैं कि शिक्षा अगर जबरन बच्चे के मस्तिष्क पे ला दी जा रही है, बच्चा एकदम ड्राई महसूस करता है, बच्चा एकदम अनइंटरेस्टेड महसूस करता है, तो वो जो भी शिक्षा होगी वो बच्चे के लिए प्राणघातक होगी। भले ही ऐसे लोग लिख पढ़ जाएं, बड़े पद को सुशोभित भी कर जाएं, लेकिन खुद के साथ ना तो उनका सामंजस्य होगा, ना उनका खुद के साथ समायोजन होगा, ना वो वाह वातावरण से हमेशा वो कटे अपने आप को महसूस करेंगे। तो शिक्षा का तात्पर्य ही है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडजस्टमेंट खुद के साथ हो और उसी के साथ वाह वातावरण में हो। तो ये जो बात हम कर रहे हैं शैक्षिक पहल की, वो केंद्र सरकार दोस्तों चालू कर रही है। इसमें बच्चों को लिखाने पढ़ाने या कोई भी वर्क देने से पहले एक सहज सुगम मनोवैज्ञानिक वातावरण में बच्चों के साथ जुड़ने का सुअवसर प्रदान किया जाएगा। ये जो पहल है, ये पहल विद्या प्रवेश है। आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। एक माहौल का सृजन करना है ताकि बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एजुकेशन को ग्रेस्प कर सकें। बच्चों के मन से स्कूल जाने का डर दूर करना है। सरकार इसके लिए चिंतित है, परेशान है कि हम आने वाली अपनी जो जनरेशन है उसको हम कैसे बेहतर बना सकें। तो इसके लिए विद्या प्रवेश नाम से सरकार ने एक नई पहल दोस्तों शुरू कर दी है।
अरविंद पांडे जी की रिपोर्ट है, बात करते हैं दोस्तों नई दिल्ली से, कि स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में अब बच्चों को स्कूल में दाखिला देने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें उन्हें स्कूली माहौल के लिहाज से तैयार किया जाएगा। इस पहल को सरकार ने विद्या प्रवेश का नाम दिया। इसके तहत पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले प्रत्येक बच्चे को अब शुरुआत में 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने और उठने बैठने आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनमें सीखने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाएगा। दोस्तों बच्चों के साथ कैसे उठे बैठे, कैसे खेलें, एक वातावरण उन्हें दिया जाएगा और उसी के साथ साथ सीखने की जो टेंडेंसी है बच्चों में डेवलप होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये पहल नए शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों में लागू होगी। एनसीईआरटी की ओर से इसको लेकर एक मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दिए गए हैं। सभी राज्यों को मॉड्यूल भेज दिया गया है, साथ ही इसे प्राथमिकता से लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे स्कूलों के प्रति पैदा होने वाली अरुचि से बच्चों को बचाया जा सकेगा। देश में मौजूदा समय में बड़ी संख्या में बच्चे शुरुआत में स्कूल जाने से डरते हैं, इसके चलते वे जल्द स्कूल छोड़ भी देते हैं। मंत्रालय का मानना है कि बच्चों में शुरू से ही स्कूलों और पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा की जाए तो वे काफ़ी निपुण हो जाते हैं। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को 10+2 के बंधन से निकालकर 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। इसमें पहली श्रेणी फाउंडेशन, दूसरी श्रेणी प्राइमरी, तीसरी श्रेणी मिडिल और चौथी श्रेणी सेकेंडरी है। फिलहाल विद्या प्रवेश की जो पहल है वह फाउंडेशन स्तर पर की गई है। इस श्रेणी में 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जानी है। इनमें शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी के होते हैं, जिसकी शिक्षा आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के जरिए दी जाएगी। बाकी के 3 साल की पढ़ाई स्कूलों के माध्यम से होगी। तो दोस्तों ये है कि सरकार अब प्री प्राइमरी यानी फाउंडेशनल स्टेज को स्ट्रेंथन करने में लगी है, क्योंकि जो फाउंडेशन है अगर वो मजबूत होगी, फाउंडेशन सशक्त होगी, तो बच्चों का जो व्यक्तित्व है उस वो विशालतम होगा। फाउंडेशन में जितनी गहराई होगी, जितनी दृढ़ता होगी, व्यक्तित्व रूपी वृक्ष भी उतना ही ऊपर उठेगा। ऐसी बात दोस्तों कही जा रही है। इसमें बच्चों की प्रतिभा को भी पहचाना जाना है। पहली क्लास में दाखिला देने से पहले बच्चों को दिया जाएगा 3 महीने का ट्रेनिंग। इस सत्र से देश भर के स्कूलों में लागू होगी ये व्यवस्था। एनसीईआरटी ने तैयार किया है एक मॉड्यूल। बच्चों की प्रतिभा को कैसे पहचाना जाएगा, 3 महीने के विशेष प्रशिक्षण के दौरान छात्रों की प्रतिभा को भी पहचानने का काम होगा। बाद में बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पहल की जाएगी। जिन प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की रुचि को परखा जाएगा उसमें खेलकूद, संगीत, आर्ट, गणित, खोज और विज्ञान आदि शामिल हैं। इस दौरान बच्चों की भाषा संबंधी रुचि को भी पहचान की जाएगी। कोशिश होगी कि बच्चा जिस स्थानीय भाषा में बेहतर तरीके से सीख और समझ सकता है उसे उसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है, जो कि काउंसलर की जो भूमिका 10+2 के बाद होती थी, अब वो काउंसलर और काउंसलिंग की जो भूमिका है वो फाउंडेशन के लेवल पे है। बच्चों की टेंडेंसीज को, उनके इंटरेस्ट को वहीं से मॉनिटर करके और बच्चों को जो उनका टेस्ट है, जो उनका फ्लेवर है, उसी के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी टिप्स दी जाएगी, शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाएगा। और ये नई शिक्षा नीति में दोस्तों बात हो रही है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स, शिक्षा संबंधी ये जो नई सूचना है, जो नया तथ्य है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें।
जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।